हेलो एवरीवन, मैं मेराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलुरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे और कलाम सीरीज को तो आप इंजॉय कर ही रहे होंगे। तो कलाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं 2022-23 का पेपर। और इससे पहले उस पर रीजनिंग की वीडियो जा चुकी है और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी वीडियो जा चुकी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1-60 हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 61-90। ठीक है, 61-90 मतलब 30 क्वेश्चन। लेकिन कुछ इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और कुछ इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ हिस्ट्री से, कुछ पॉलिटी से। तो मतलब सारा ये 30 का 30 जैसे इसमें सिलेबस में मेंशन है 30 नंबर का करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स में ये ज्योग्राफी भी पूछ रहे हैं और जो है इकोनॉमिक्स भी पूछ रहे हैं और हिस्ट्री भी पूछ रहा है, पॉलिटी भी पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए जो है स्किप नहीं करनी है, आपको पूरी देखनी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है सब क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे और जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो करंट अफेयर्स में कुछ इवेंट पूछे गए थे, जो 2022 का पेपर है, 2021 का पूछा गया है कि नोबेल प्राइज किसको मिला, तो हम नोबेल प्राइज 2021 का सिर्फ आंसर जानेंगे, बाकी इस बार किसको नोबेल प्राइज मिला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इंपॉर्टेंट भी होगी, आप इसके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो हम उससे रिलेट करेंगे फिर इस बार जो 2023 का जो करंट इवेंट है उससे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है? तो जो अगर हमारे लिए लगता है, हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिपीट हो सकता है, हम उसे डिटेल में जानेंगे। कुछ अगर लगता है कि नहीं, ये पहले का करंट इवेंट जो हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, तो हम उसका सिर्फ आंसर जान के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन? देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ही पढ़ूंगी फिर से। आपसे पूछा जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये तो है ही है कि कब मनाया जाता है, इसका तो आंसर देखेंगे ही, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कौन सेलिब्रेट करता है? तो आपका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशन। एक क्वेश्चन यहाँ भी यहाँ से बन सकता है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कौन सेलिब्रेट करता है, आपको दे देगा यूएन, आपको दे देगा यूनेस्को, और आपको ऐसे ही करके एक दो एजेंसी का नाम और दे देगा। तो आपको देखना है कि कौन करता है, यूएन। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहां से बन सकता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है कि इसका ये कब होता है, तो ये होता है 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को ये होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। अब एक क्वेश्चन और इसका कैसे बन सकता है, एक डेट से क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा इसका थीम से, है ना, थीम। तो इस बार की, क्योंकि 2023 मार्च है ना, मार्च का जो थीम इस बार सेलिब्रेट हुआ होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2024 1 मार्च 2024 को जो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट होगा उसका थीम आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है तो हमें थीम का पता भी नहीं है, तो हम नहीं लिखवा सकते। हाँ, अगर बैच ज्वाइन करेंगे आप तो उसमें हम जरूर इसे डिस्कस करेंगे और थीम हम आपको लिखवाएंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो यहां से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन कौन सेलिब्रेट करता है, यूएन, और डेट पूछी जा सकती है किस डेट को होता है, तो 1 मार्च को, और इससे थीम पूछी जा सकती है कि क्या इसकी थीम क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इन विच कंट्री आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हेडक्वार्टर है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस देश में स्थित है। अब सीधा हम पिक्चर पाएंगे और आपको पिक्चर में हमारे ये पीएम साहब दिख रहे होंगे मोदी, तो इसका मतलब ये हमारे इंडिया में है, ठीक है। अब इंडिया में भी कहाँ, इंडिया के हरियाणा में है और हरियाणा के भी गुड़गांव में है। अब ये कब की 2016 की बात है, तो उस टाइम पे जो नाम था वो गुड़गांव था, लेकिन अब जो इसका नाम हो गया है वो हो गया गुरुग्राम, ठीक है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि गुड़गांव को अब किस नाम से जाना जाता है, तो वो है गुरुग्राम। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको भारत की जगह इसका स्टेट भी दे सकता है। यहाँ ये अगर रिपीट को हो सकता है ये क्वेश्चन, कैसे कि भूटान के, भूटान और भारत मित्र श्रीलंका, इसकी जगह वो इंडिया के स्टेट दे सकता है, यूपी, हरियाणा, है ना, पंजाब, राजस्थान, ऐसे भी करके दे सकता है। तो आपको देखना होगा कि वो कहाँ है, हरियाणा, और हरियाणा के भी गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021, मतलब जो 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये जो 2021 का जो वन का जो पुरस्कार था वो मिला था दिमित्री मुरातोव। अब आपको आंसर ऐसे ही छोड़ देना, याद नहीं करना, आपको याद करना है कि जो इस बार मिला है 2023 को किसको मिला है, तो वो मिला है नरगिस मोहम्मदी। ये है नरगिस मोहम्मद की पिक्चर, और नरगिस मोहम्मदी जो है वो ईरानियन जर्नलिस्ट है, ठीक है, ईरानियन जर्नलिस्ट, मतलब ईरान की है जो है महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी को, वो कहां की रहने वाली है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, रेड सैंडर्स विच हैज फॉलन बैक इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स IUCN रेड लिस्ट इज। अब हम पहले क्वेश्चन पे ही रहते हैं कि इस क्वेश्चन से और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेड लिस्ट है वो कौन जारी करता है, कौन सी संस्था है जो जो रेड लिस्ट को जारी करती है, तो वो है IUCN, ठीक है। और IUCN एक तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रेड लिस्ट को कौन जारी करता है, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि IUCN की फुल फॉर्म बताइए। तो IUCN की फुल फॉर्म क्या हो गई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन से मिलते हैं दो और क्वेश्चन, जो आपको नोट्स में क्या कर लेने हैं, लिख लेने हैं। और अब हम आते हैं रेड सैंडर्स क्या है। रेड सैंडर्स जो है वो हम बोलते हैं ना हिंदी में चंदन, चंदन की लकड़ी, तो ये वही है। चंदन दो तरह का होता है, एक वाइट और एक रेड। तो जो रेड होता है उसको रेड सैंडर्स बोला जाता है, और वाइट को वाइट, है ना। तो और जो ये रेड सैंडर्स होता है ये बहुत महंगा होता है, इसकी एक एक लकड़ी जो होती है वो लाखों करोड़ों में होती है इसकी कीमत। तो इतनी ज़्यादा महंगी होने की वजह से लोग क्या करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, है ना, चोरी छिपे काटा, चोरी छिपे इसको सेल भी कर दिया, तस्करी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये किस में चला गया, ये लुप्त प्राय श्रेणी में पहुंच गया, मतलब इसकी जो जो क्वांटिटी है ना वो खत्म होने की कगार पे आ गई। तो इसके लिए इसने IUCN ने इसको किस में डाल दिया, कैटेगरी में, कैटेगरी इन द मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है। तो रेड सैंडर्स क्या है, लकड़ी है, लकड़ी है मतलब ट्री है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर ट्री, रेड सैंडर इज आर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, हु इज द फर्स्ट इंडिया वुमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ये क्वेश्चन अभी भी बन सकता है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है इंडिया की, जो कि GS का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए मंगला मरलिकर, ऑप्शन बी जो है शोभना नरसिम्हन, ऑप्शन सी असीमा चटर्जी, या ऑप्शन डी गगनदीप कौर। तो ये हैं जो फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट हैं इंडिया की, जिनको क्या मिला है, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई है, और इनका जो नाम है वो है गगनदीप कांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस मैं एक्सप्लेन करूंगी नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं सिर्फ आंसर बता दूंगी, लेमन जूस, ठीक है। साइंस वाले सर अपने बैच में इसको डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल कोलाबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग। हाल ही में किस शहर ने वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी
प्रशिक्षण बैठक की मेजबानी की। तो ये करंट अफेयर्स, इस तरह के करंट अफेयर्स इस तरह के हम बोलते हैं कि ये करंट अफेयर्स है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम है। तो इसलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो उस टाइम पे मेजबानी की थी, तो वो पेरिस था। हम इसका आंसर जानेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, याद भी नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको क्या देखना है, नोट ट्रू ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब इसमें जो है आपके पास फोर ऑप्शन है, फोर में से कोई एक है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीन हैं। तो आपको देखना है कि आप सबसे पहले जानना चाहिए आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो ये क्या था क्योटो प्रोटोकॉल, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, मतलब इट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। और ये जो क्योटो में हुआ था, और क्योटो कहाँ है, जापान में, ठीक है। तो जापान में हुआ था ये क्योटो में, और 11 दिसंबर 1997 को ये क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन 11 दिसंबर 1997 को ये अडॉप्ट तो किया गया था, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था, ये इफेक्टिव हुआ था 16 फेब 2005 को, ठीक है, 16 फेब 2005 को। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का एडॉप्ट तो कर लिया गया था 11th ऑफ दिसंबर 1997 को, लेकिन लागू कब हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ था, है ना। तो ये हुआ था 16 फेब 2005 को, ठीक है, याद रखिएगा। और जो इसका जो एम था, इट एम्स टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमोसफियर। बिल्कुल, इसका जो एम था वो क्या था, उत्सर्जन, इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम करना था, ये भी सही है। तो अब हम देख लेते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया कि 1997 को अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी हमारा आंसर सही है, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में आया था। तो वैसा आंसर तो हमारा ये नहीं होगा, और हमारा आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी सही है ना, और हमारा आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि लीगली बाइंडिंग है। तो हमारा राइट आंसर फिर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देख लेते हैं क्या था इसमें, द ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस इमिशन इज पुट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर दिया है डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब उत्सर्जन कम करने का दायित्व विकासशील देशों पर डाला गया, नहीं, इसका जो दायित्व डाला गया था वो दोनों देशों पर डाला गया था, विकासशील भी और विकसित, मतलब डेवलप कंट्री पर भी और डेवलपिंग कंट्री पर भी, लेकिन डेवलप जो कंट्री थी उस पर ज्यादा था, ठीक है। और उनसे बोला गया था कि आप अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे, ताकि उनकी वो भी अपना कुछ ऐसा सिस्टम बना सके जो कि ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एब ओलंपिक्स आर द कॉम्पिटिशन हेल्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन विच फील्ड। मतलब डिसेबिलिटीज जो जिनमें होती है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए एब ओलंपिक्स होता है, और एब ओलंपिक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये हो जाएगा ओलंपिक्स ऑफ डिसेबिलिटीज, इसका फुल फॉर्म है ओलंपिक्स ऑफ डिसेबिलिटीज। और ये जो है वो स्किल डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब जो डिसेबिलिटीज जिनमें होती है, जो दिव्यांग होते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एब ओलंपिक्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है ऐसे लोगों को कि वो आएं और अपने जो टैलेंट है उनमें, जो टैलेंट है, जो एबिलिटी है, वो लोगों को दिखाएं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्किल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, जो कि इस बार कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ माया एंजेलू द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपियर ऑन यूएस कॉइन। यह अभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूएस कॉइन पे कौन सा, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलू की आत्मकथात्मक कृति है। मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि माया एंजेलो की इसमें ऑटोबायोग्राफी कौन सी बुक है, ठीक है। और एक सी क्वेश्चन में अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी, और ऑप्शन में डाल देगा माया एंजेलो
और तीन कोई और ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाएगा। और अब आपको बताया ना माया एंजेलो की बुक इसमें कौन सी थी। तो माया एंजेलो की जो बुक थी, हर फर्स्ट पब्लिश्ड बुक आई नो वाई द कैग्ड वर्ड सिंग्स 1997 में ये पब्लिश हुई थी। तो हमारा आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये है वो US डॉलर मतलब कॉइन जिसपे ये इनको छापा गया था। अब आपको जानना चाहिए बाकी जो बुक है वो किस किस की है, है ना, उनका राइटर कौन है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, बोन ब्लैक मेमोरीज ऑफ गर्लहुड, आप इसको बताएं अगर आंसर आपको पता हो तो। ऑप्शन देखिए एक बार, आंसर देखिए। बॉर्न ब्लैक मेमोरीज ऑफ गर्लहुड, ये जो इसके जो जो राइटर थी वो थी उसकी बेल हुक्स, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कौन थी, बेल हुक्स। आई नो वाई द कैग्ड वर्ड, ये तो आपको पता ही चल गया, एंजेलो है। अब जो आता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इसके जो राइटर थे वो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जिनको क्या बोला जाता है, गांधी ऑफ अफ्रीका, गांधी ऑफ अफ्रीका। और इनको नोबेल प्राइज मिला था, नेल्सन मंडेला को जो नोबेल प्राइज मिला था, पीस का नोबेल प्राइज मिला था, और वो मिला था इनको नोबेल का, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, और वो मिला था इनको 1993 में, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यही कि माया एंजेलो दे देगा कि ये कौन थी, तो फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी टू अपीयर ऑन अ US कॉइन। फिर पूछेगा कि बॉर्न ब्लैक मेमोरीज ऑफ गर्लहुड किसी बुक है, तो वो बेल हुक्स की है। अगर पूछे कि आई नो वाई द जो कैग्ड वर्ड थिंग है वो किसकी बुक थी, तो वो एंजेलो, माया एंजेलो की थी। और फिर पूछे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक थी, नेल्सन मंडेला। और इनको क्या बोला जाता है, गांधी ऑफ अफ्रीका। और इनको नोबेल मिला था पीस 1993। अब एक बुक आ जाती है बीकमिंग, ये किसकी बुक थी। तो बीकमिंग जो बुक थी वो थी मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा जानते हैं ना आप, बराक ओबामा की वाइफ, तो ये उनकी बुक थी ओबामा, ठीक है, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा नहीं, बराक ओबामा की ये वाइफ। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 72। मैं बहुत जल्दी करा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, पर्पल रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब पर्पल रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है। देखिए हर पेपर में रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो रिवॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और पर्पल ये जो रिवॉल्यूशन है इस पेपर में दो पूछे गए, दो क्वेश्चन आए रिवॉल्यूशन से। तो लास्ट में मैं इसकी एक लिस्ट दूंगी, सारी जो रिवॉल्यूशन है इंपॉर्टेंट उसकी लिस्ट आपको याद रखनी है। तो पर्पल रिवॉल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है एरोमेटिक प्लांट, ठीक है, एरोमेटिक प्लांट से। और इसके लिए एक एरोमा मिशन भी चलता है। और ये जो पर्पल रिवॉल्यूशन है, ये जो जो सबसे पहले जो मतलब चलाया गया था, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसका हम आंसर देखेंगे, सुगंधित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट में मैं इसकी लिस्ट दूंगी इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब ये किसकी बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो इस उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे वो पूछे गए थे। तो 2022 में जो चीफ जस्टिस थे वो थे एन वी रमन, ठीक है, कौन थे, एन वी रमन। और ये इनका जो नंबर था वो 48 नंबर के ये चीफ जस्टिस थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद में 49 नंबर के जो चीफ जस्टिस थे वो थे यू यू ललित, ठीक है। अब जो है प्रेजेंट में वो 50th नंबर के, और उनका नाम है
डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। अब जो मतलब प्रेजेंट में अगर पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका नाम डी वाई, और आपसे इनका नंबर भी पूछा जा सकता है। तो ये किस कौन से नंबर के, 58 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाली आपको बीमारी का नाम बताना है, वो कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी या कॉलरा, टिटेनस या फिर चिकन पॉक्स। साइंस का क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर जानेंगे, इसका इसका करेक्ट आंसर है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो 61st नंबर का जो अमेंडमेंट है 1989 में जो रिलेट किससे रिलेटेड है, द ग्रांट ऑफ स्पेशल स्टेट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, या ऑप्शन बी डिलीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, या फिर ऑप्शन नंबर सी मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, या ऑप्शन डी संविधान के 8वीं अनुसूची में कोंकणी मैतेई होता मणिपुर और नेपाली भाषाओं को शामिल करना। आपको बताना है इसका आंसर 75 का क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है 75 का वो है ऑप्शन नंबर सी, मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद द इंडिया फर्स्ट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट लॉन्च महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेथड आउट ऑफ टेनेंट फार्मर्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काश्तकार किसानों के साथ हुए अन्याय के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा है, तो वो है चंपारण, ठीक है, चंपारण यहाँ से ही शुरू किया था, और इसके लिए हम पिक्चर देखेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चंपारण सत्याग्रह इसको बोला जाता है, और चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 कब हुआ था, 1917 में, आपको डेट याद रखनी है, वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा लीड किया जाने वाला पहला अगर कोई था प्रोग्राम तो वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू या फिर जयललिता। तो इनका जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुचेता कृपलानी, ठीक है। अब आंसर तो हमें पता चल गया, अब ये भी पता होना चाहिए किस स्टेट की थी, पूछा जा सकता है कि सुचेता कृपलानी किस स्टेट की पहली फीमेल सीएम थी, तो वो था यूपी, ठीक है, यूपी। अब अरुणा आसफ अली क्या थी, अरुणा आसफ अली जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भाग लिया था इन्होंने, अरुणा आसफ अली ने, ठीक है। और सरोजनी नायडू क्या थी, सरोजनी नायडू जो थी यूपी की पहली गवर्नर, यूपी की फर्स्ट गवर्नर, वुमेन गवर्नर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जयललिता क्या थी, जयललिता मतलब क्या थी, कौन थी जयललिता, ये 6 बार जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की 6 बार सीएम रही थी जयललिता, ठीक है, और सबसे यंगेस्ट अगर सीएम कोई था मतलब तमिलनाडु की तो वो जयललिता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये उनका सुचेता कृपलानी का पिक्चर है, बुक पढ़ रही हैं आप भी पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 78,
थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, मतलब थॉमस कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी लॉन टेनिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैडमिंटन। अब आपके लिए है एक होमवर्क, आप बताएंगे फुटबॉल से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है उसका नाम, टेबल टेनिस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है उसका नाम, और लॉन टेनिस में कौन सा इंपॉर्टेंट कप या ट्रॉफी दिया जाता है उसका नाम। इन तीनों का अब मैं चेक करना चाहूंगी कि आप ये ठीक से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं हालांकि यहाँ पर लिस्ट दे सकती थी लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि खुद भी थोड़ा एक्टिव रहा करो। जब आप गूगल करेंगे तो उसे थॉमस कप बैडमिंटन फुटबॉल से रिलेटेड कप डालेंगे, वहाँ एक नहीं कई सारे कप आ जाएंगे, है ना, तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ मेरा मकसद जो है ये क्वेश्चन देने का वो है कि फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और जो इम्पोर्टेंट कुछ क्रिकेट में भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी दी जाती है तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक। अमरकंटक से जो रिवर निकलती है उसका आपको नाम बताना है, वो कौन सी है, कोसी है, नर्मदा है, कृष्णा है या फिर बेतवा है। ठीक है, तो बेतवा जो निकलती है, बेतवा जो रिवर निकलती है वो विंध्यन रेंज से निकलती है। ठीक है, विंध्यन रेंज, कृष्णा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर कहां है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा रिवर निकलती है, नर्मदा निकलती है अमरकंटक, अमरकंटक, और अमरकंटक कहां है, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, कोसी, कोसी निकलती है नेपाल, नेपाल में तीन रिवर से, तीन छोटी छोटी रिवर के मिलने से कोसी रिवर बनती है, और नेपाल के हिमालयन रीजन से। ठीक है, हिमालयन रीजन तो है, हिमालयन रीजन इंडियन नहीं है ये ध्यान रखिएगा, नेपाल तिब्बत। अब हम इसे मैप में देख लेते हैं, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर तो हो गया नर्मदा। ठीक है, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। अब हम मैप में इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं, तो अगर हम मैं देखूं सबसे पहले कोसी, ऑप्शन में क्या है कोसी, तो कोसी है ये, यहां से आपको अगर दिख रहा हो तो यहां से ये आती है, इस तरह से ये आ रही है और ये गंगा में मिलते हुए जो है वेव बंगाल में चली जाती है, मतलब यहाँ गंगा से मिलती है और गंगा बंगाल होते हुए वेव बंगाल में मिल जाती है। तो ये है क्या, हिमालयन रीजन, कहाँ, नेपाल में। ठीक है, फिर हम आते हैं नर्मदा, तो नर्मदा की लोकेशन है ये, यह अमरकंटक है एमपी में, अमरकंटक चोटी है और यहाँ से निकलते हुए कहाँ, नर्मदा, और कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। ठीक है, फिर आता है कृष्णा, कृष्णा रिवर है ये, कृष्णा रिवर वेस्टर्न घाट, ये आपको पता ही है वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट की यहाँ से जो है महाबलेश्वर चोटी यहाँ से निकलती है और ये जाती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बेतवा, बेतवा है, बेतवा ये है और ये विंध्यन रेंज से निकलती है, और विंध्यन रेंज से निकल के ये यमुना में मिलती है और यमुना फाइनली गंगा में मिल जाती है। ये आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो और अच्छे से आप इसकी जो है लोकेशन देख पाएंगे सारी रिवर्स की, टेलीग्राम को, टेलीग्राम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन फाउंड। ऑप्शन नंबर ए दैमाबाद, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी रोपड़। तो सॉरी, इसका आंसर ये तो नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धोलावीरा। ठीक है, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैं करूंगी नहीं, लेकिन हाँ जो भी इसमें क्वेश्चन साइंस का आ रहा है, हिस्ट्री का आ रहा है और जो पॉलिटिक आ रहा है, तो जब हमारा बैच चलेगा तो ये एक एक क्वेश्चन सर एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उसमें भी कुछ प्रैक्टिस के तौर पर जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें सर इन क्वेश्चन को भी ले लेंगे, मैं बोल दूंगी उनको, वो क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो वह एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा छूट जा रहा है तो वो हो जाएगा। ये हाल ही में खबरों में रहने वाले संकल्प गुप्ता, तो हाल ही में खबरों में रहने वाले मतलब अभी खबरों में नहीं है, 2021-22 की खबरों में थे, तो ये थे शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, शतरंज के खिलाड़ी थे ये, करंट अफेयर। तो आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82,
Which of the following field is the recently discovered Hamilton's object which was discovered recently associated? हाल ही में खोजी गई हैमिल्टन की वस्तु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? खनन, वायरोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र? सोचिए, अगर थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपने सोचेगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड एंड पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर इन 1861? जो निम्नलिखित में से किसने 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन और प्रकाशन किया था? वो कौन थे? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या सुमित गांगुली या मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर? तो मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 84। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज भवानी देवी हु रिसेंटली वॉन द टाइटल एट चार्लविल कॉम्पिटिशन इन फ्रांस एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किस खेल से भवानी देवी, जिन्होंने हाल ही में फ्रांस में चार्लविल प्रतियोगिता में खिताब जीता, वो संबंधित किससे हैं? किससे हैं? फेंसिंग से, वेट लिफ्टिंग से या फिर तीरंदाजी से या फिर शूटिंग से? तो ना ये शूटिंग से है, ना तीरंदाजी से, ना भारोत्तोलन से, ये है ये दो ऑप्शन आ गए, ये तलवार किरड़ा मतलब फेंसिंग से। पिक्चर में देख सकते हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो तलवार बहुत अच्छी वाली है, एक में ही काम हो जाएगा। तो ये है भवानी देवी, ठीक है, इनका पिक्चर देख के, और ये ओलंपिक में भी खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। किट्टू चेन्नम्मा पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक किस वर्तमान राज्य की रानी थी? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो वो थी कर्नाटक की, ठीक है। पिक्चर में आप इनके इनकी पिक्चर देख सकते हैं, इनके हाथ में भी तलवार है। तो ये थी किट्टू चेन्नम्मा, कर्नाटक की रानी, ठीक है। हिस्ट्री में डिस्कस कर दिया जाएगा, परेशान ना हो, हिस्ट्री में डिस्कस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विद विच स्पोर्ट्स वाज द ओलंपियन सैयद शाहिद हकीम हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 82? मतलब इस टाइम पे जो था इनका डेथ हुआ था, तो वो जो थे शाहिद हकीम वो कौन थे? फुटबॉल से रिलेटेड थे, वेट लिफ्टिंग से, हॉकी से या फिर तीरंदाजी से? तो जो शाहिद हकीम थे वो फुटबॉलर थे, ठीक है, फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लान ऑयल? नहीं है, ये पाम ऑयल है, ठीक है। तो ये है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान द्वारा निर्दिष्ट लोकसभा की अधिकतम संभावित ताकत क्या है? ऑप्शन नंबर ए 250, ऑप्शन बी 543 या ऑप्शन ऑप्शन गड़बड़ है, इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 250, ऑप्शन नंबर बी 543 या ऑप्शन सी 525 या ऑप्शन डी 552। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर बताएंगे आप। 88, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एज पर अ रिसेंट स्टडी ऑफ यूएनजीसी, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, इंडिया व्हाट इज द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन 2020? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया के एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2020 में भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी क्या है? तो कब है 2020? मतलब पुराना डेटा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या था? 24.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90।
With which of the following products in India governments initiative sweet revolution associated? Option number A fruit, option B sugar cane, option C milk, या option D honey. Sweet revolution था किससे होगा? Honey से. तो हमारा right answer इसका हो जाएगा 90 का D. अब हम देख लेते हैं जो important revolution है और वो जिस जिससे भी related है उनका product. तो ब्लैक रिवॉल्यूशन है किससे? पेट्रोलियम. ब्लू रिवॉल्यूशन है फिश. ब्राउन रिवॉल्यूशन है लेदर. गोल्डन रिवॉल्यूशन जो रिलेटेड है वो फ्रूट या फिर हनी. ठीक है, इसमें दो हैं, दोनों को याद रखना है. गोल्डन रिवॉल्यूशन आए या तो ऑप्शन में हनी होगा या फिर फ्रूट होगा. और हनी से अभी हमने क्या देखा है? स्वीट रिवॉल्यूशन भी देखा. ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो जो फूड ग्रेन्स है, और फूड ग्रेन्स में भी कौन है? वीट, ठीक है, गेहूं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है ग्रे रिवॉल्यूशन. ग्रे रिवॉल्यूशन जाना जाता है फर्टिलाइजर्स के लिए, और पिंक रिवॉल्यूशन है ऑनियन के लिए. रेड रिवॉल्यूशन में दो है, मीट है और टोमेटो आएगा ऑप्शन में या फिर मीट आएगा. सिल्वर रिवॉल्यूशन एग या फिर पोल्ट्री से रिलेटेड है. और व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क, इससे पहले भी हम देख चुके हैं, और डेयरी. ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फार्मर कौन है, और सॉरी फादर कौन है, फार्मर नहीं फादर. येलो रिवॉल्यूशन है ऑयल सीड से रिलेटेड. और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन अब जो रह गया वो एवरग्रीन में डाल दिया, ओवरऑल डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. पेपर 2022-23 का हमने क्या देख लिया? क्वेश्चन नंबर 1 to 90 हम कर चुके हैं. अब इससे आगे जो भी यूनिट होगी उसकी हम इंशाल्लाह वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे, और ये भी आपको वीडियो मिल गई, और ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे. जल्दी हमारा बैच आएगा, बने रहिएगा, परेशान नहीं होइएगा बिल्कुल भी कि बैच बहुत लेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. पढ़ने के अगर अच्छे से देखिए, तैयारी करना मतलब एक प्रिपरेशन करना, तो जो होता है ना काम, अच्छे से तैयारी करना एक अपनी मतलब एक तरह से आप जब कुछ तैयारी करके आगे बढ़ते हैं ना, तो और जो रैंडमली ऐसे उठ के चला जाता है उससे आप बेहतर पोजीशन में हमेशा रहेंगे. तो आपको पहले प्रिपेयर करना है अच्छे से, कितना उसमें क्लासेस रहेंगी, कब क्लास रहेगी, कितनी रहनी चाहिए, कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस, और कब हमें क्लास देना चाहिए, सब प्लान चल रहा है. इंशाल्लाह जल्दी बैच आएगा, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल कि बैच लेट है, ऐसा नहीं है. हम इंशाल्लाह कंप्लीट कराएंगे, और आ रहा है तो कुछ बेस्ट ही होगा. तो जो जामिया बीएड, जामिया डीएलएड, एमयू बीएड 2 years, एमयू 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स, इसका एक साथ हमारा बैच आने वाला है. तो जो 12th करके आ रहे हैं तो वो बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड जो 4 years का कोर्स है एमयू बीएड के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. या फिर किसी को डीएलएड करना है कि बीएड में इतना स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. पहली बात तो बीएड का अपना स्कोप है, डीएलएड का अपना स्कोप है. तो अगर आप जाना चाहेंगे तो आप डीएलएड कर सकते हैं जामिया से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका भी सिलेबस मैच करता है जामिया बीएड से. 170 क्वेश्चन उसमें है, 170 क्वेश्चन उसमें है. बस डिफरेंस ये है कि जामिया डीएलएड में जो डीएलएड का जो पेपर आता है वो सिर्फ हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में नहीं आता. जबकि जामिया बीएड का जो पेपर होता है वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों मीडियम में होता है. ठीक है, बाकी जो उसमें लैंग्वेज आता है वो लिंग्विस्टिक होता है, कंसेप्ट होता है लैंग्वेज का जनरल बीएड में. और जो डीएलएड होता है उसमें जो लैंग्वेज आता है वो उर्दू वाले के लिए 20 क्वेश्चन जो उर्दू से रहते हैं, और हिंदी वाले के लिए 20 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं. ठीक है, तो इस पर कंप्लीट हम लेकर आएंगे वीडियो एक इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ. तो बने रहिएगा, अगर पसंद आई हो हमारी मेहनत तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.